गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का क्या पढ़ रहे थे, विषय गणित पढ़ रहे थे, और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ लिया है। और आप लोग को क्लास समय पता होगा, आप लोग का क्लास होता है सप्ताह में 3 दिन, तो सोमवार की क्लासेज हो चुकी है, आज है बुधवार जो आपकी इस सप्ताह की दूसरी क्लास है, अगली क्लास फ्राइडे को होगी। समय आपका 8:30 से 9:30 बजे रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपने बोर्ड मास नियम पढ़ा था। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम जो हमने पढ़ा था, बोर्ड मास का नियम हमने क्या पढ़ा था, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भग्गा को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। ये हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा था। तो जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सॉल्व करके पोल सेक्शन में। कोई जल्दी नहीं है, 1 से 2 मिनट का समय है, आराम से करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, 2 मिनट का समय है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे एक्टिविटीज का बटन दिखाई देगा, एक्टिविटीज का, उसको क्लिक कीजिए तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसे लिख के आएगा रिकॉल ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन सही है उसे क्लिक कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से ये काम करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया है और एकदम अभी चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भाग्य को हल करेंगे, फिर गुना को हल करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, ठीक है। सर पोल नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, जब चैट सेक्शन ऑन होगा तो आप उसमें रिप्लाई कर देना, अभी आप बस इन क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो, ठीक है। जिनका पोल चल रहा है वो लोग पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, जिनका पोल चल रहा है वो पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 बच्चों ने ही आंसर किया है, जल्दी से करेंगे, और मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, और 30 सेकंड का समय है, और 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ओनली 30 सेकंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड। यह हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था बोर्ड मास का नियम, उस पे आधारित प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे, 20 सेकंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। तीन सेकेंड लास्ट बचा हुआ है, जल्दी से, अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, जो बच्चे आंसर करते हैं उनका अटेंडेंस वहां से भी लग जाता है, इसीलिए आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन में, आपको ही लाभ होगा, ठीक है। 10, 9, अभी 3 बच्चे ऐसे हैं जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए, 3 बच्चे ऐसे हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं कि कैसे आप लोगों ने गलत आंसर किया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था, हमने बताया था आप लोगों को, पहले आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में,
अगर पढ़ा हुआ है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। पिछली क्लास में आप लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या बताया था बोर्ड मास के नियम में, कि पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद भागा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, 13 - 4 × 5 भागा 5 + 3। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक वाले को इसको हल करेंगे। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, 13 में से 4 गया कितना आएगा, 9 होगा। 13 में से 4 गया कितना आएगा 9 आएगा। गुने में 5 भग्गा 5 + 3 ये हुआ। इसके बाद इसे हल करेंगे तो क्या होगा, भग्गा को हल करेंगे तो यहाँ पे 9 को 9 रहने देंगे, आप 5 में 5 से भग्गा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, आप +3। अब इसके बाद हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 आप +3 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 12। बात समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए सभी बच्चों क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सभी बच्चों क्लियर है, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से चैट सेक्शन बताएंगे सभी बच्चों को समझ में आया, चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्लियर है ना सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को पढ़ते हैं। देखिए तो आज का जो दूसरा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विभाजकता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें बेसिकली हम ये चीजें पढ़ते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 10 और आपसे पूछूं कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी 2 से 10 में पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी तरह मैं लिख दूं यहाँ 50, आप पूछ दूं आपसे कि 3 से ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा पूरा पूरा भाग लगने का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ 8 लिख दूं और कहूं कि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे चेक करेंगे, तो 4 से हम 8 में भागा दे देंगे और ये पूरा पूरा अगर कट गया तो इसी को कहते हैं कि 4 से 8 जो है डिविजिबल है, यानी पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो कोई भी संख्या दिया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 722 और मैं आपसे पूछ दूं कि क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी 2 से ये 722 पूरा पूरा कटेगा, तो हम आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको भाग देना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, हाथ में बचा 1, ऊपर से आएगा 2, तो 2 × 6 = 12 कट गया, फिर ऊपर से आएगा 2, तो 2 × 1 = 2 तो ये कट गया, यानी कि ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ऐसी अनेकों संख्याएं हैं और हमें ये जानना पड़ता है कि इन अनेकों संख्याएं में कौन सी संख्या जो है किस संख्या से डिविजिबल है, यानी पूरा पूरा भाग लगता है। तो इसका एक रूल है कि कोई भी संख्या 2 से कब भाग होगी, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः कब कटेगी, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः कब कटती है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः कब कटती है। इसी तरीके से करके हम लोग पूरे 11 तक पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या जो है 2 से कब पूरा पूरा भाग लगता है, 3 से पूरा पूरा कब भाग लगता है, 4 से पूरा पूरा कब भाग लगता है, ऐसे ही करके हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा कि विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला रूल कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, इकाई स्थान का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 252 लिखा गया है, इसमें इकाई अंक कौन सा है, ये वाला इकाई अंक है, ये 628 लिखा गया, इसमें इकाई अंक कौन सा है, ये 8, ये इसमें 50 लिखा, इकाई अंक कौन सा है, 0, इसमें 24 में इकाई अंक कौन सा है, 4, इसमें इकाई अंक कौन सा है, 6, अगर मैं यहाँ पे केवल 8 लिख दूं तो इकाई अंक क्या होगा, 8 ही होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5010 तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, 0 होगा। यानी किसी भी संख्या का राइट साइड से जो पहला अंक होता है हम उसका इकाई स्थान कहते हैं। तो 2 से कोई भी संख्या कब विभाजित हो जाएगी, यदि इकाई के स्थान पे, यानी कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 2 रहे, सॉरी 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे,
या आठ रहे या इनमें से कोई भी एक रहे, यानी जीरो रहेगा तब भी दो से कट जाएगा, दो रहेगा तब भी कट जाएगा, चार रहेगा तब भी, छह रहेगा तब भी, आठ रहेगा तब भी, यानी इन पांच संख्याओं में से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के अंत में होता है तो वो संख्या दो से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 6 है तो अंत में 6 है तो ये दो से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे में यहाँ 24 है तो 24 दो से डिवाइजल होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है, चार है, और चार जिसके अंत में रहेगा दो से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 50 है अंत में जीरो है तो जीरो है तो जीरो है तो दो से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है यानी कि ये भी दो से विभाजित हो जाएगा। 252 है यानी यहाँ पे दो है और दो किसी संख्या के अंत में रहता है तो वो भी विभाजित हो जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आया कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8, ये आपको याद रखना है कि ये पांच अंक अगर किसी भी संख्या के अंत में होगा तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर देना है। 7332, ये दो से डिविजिबल है कि नहीं? अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। 7032 अगर दो से डिविजिबल है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। अगर डिविजिबल है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, ये जो है दो से डिविजिबल है, ए वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके इकाई अंक पे क्या है, दो। और मैंने पहले ही बता दिया कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे दो रहेगा तो वो संख्या दो से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से एक और संख्या है 7777। अब आप बताइए क्या ये संख्या दो से डिविजिबल है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से बताइए 7077, सभी बच्चों ने बताया कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंक पे क्या है, सात है, और सात जो है दो से डिविजिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे क्या क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तभी वो दो से डिविजिबल होगा। इनके पांच अंकों के अलावा कोई भी अंक आ जाए, यानी एक आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए, नौ आ जाए, तो ये अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पे आता है तो वो दो से डिविजिबल नहीं होगा। यानी ये संख्या देखते ही मानेंगे कि वो दो से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 16 में 6 है इसलिए डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ 24 में 4 है इसलिए डिविजिबल है, यहाँ 50 में 0 है इसलिए, यहाँ 28 में 8 है इसलिए, 52 में यहाँ पे 2 है इसलिए। तो दी गई सभी संख्याएं दो से विभाजित है। बातें समझ में आ गई होगी? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर ये करना है कि 7633, ये दो से डिविजिबल है कि नहीं, वाई और एन में आंसर कीजिएगा। अगर है तो वाई, नहीं है तो एन। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तीन है, और जिस संख्या के अंत में तीन रहेगा वो तो दो से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि डिविजिबल कब होगा, जब 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो अब आप लोग को कोई भी संख्या दे देगा तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो संख्या दो से विभाजित है या नहीं है। यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए। हमने दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को समझ लिया कि दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसके इकाई अंक पे जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया ना, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सिर्फ तीन बच्चों ने वाई टाइप किया है, बाकी के 8 बच्चे, बहुत अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे। अभी सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम 3 से देखते हैं कि आखिर कोई संख्या 3 से डिवाइजिबल कब होगी, यानी 3 से पूरा पूरा भाग कब लगेगा। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 15 है तो 15 3 से विभाजित है कि नहीं है, आप कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को आपस में जोड़ देंगे, तो 1+5 कितना हो जाएगा, 6। और आप सभी को पता है कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है। अगर 6 आता है मतलब क्या होगा कि ये 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, योग मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ 57 है और आपसे पूछ रहा है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 57 में 5 और 7 को जोड़ के देखेंगे, ये कितना होता है, 12। अब हम 12 को चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है,
तो अगर 12 तीन से डिविजिबल है इसका मतलब 57 भी तीन से डिविजिबल है। तो हम संख्याओं के अंकों का योग जो है चेक करते हैं कि तीन से डिविजिबल है कि नहीं। यानी यहाँ पे हमें 57 पूछा गया था तो हमने क्या किया, 5 और 7 को जोड़ दिया जो कि 12 आया। अब हमने 12 को चेक किया कि क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 चौका 12 आता है, यानी कि 57 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बातें समझ में आई क्या आप लोगों को, बातें समझ में आई, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे 66 है, ये आपको 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 6+6 करके देखेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 जो है 3 से डिविजिबल होता है 4 बार में, तो ये हो गया, ये भी हो गया। 204 को चेक करना होगा तो क्या करेंगे 2+0+4, यानी कि ये कितना हो गया 6 हो गया, और 6 जो है 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार 528 है तो 5+2+8, 5 2 7 8 7 कितना हो गया 15, 15 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार ये संख्या इतनी बड़ी है तो इसको क्या करेंगे 6+9+3+5+4। अब इसको जोड़ के देखिए 9 6 15 15 3 18 18 5 23 23 4 27 और 27 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 3 9 27। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आया कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 57 क्या हो गया 5+7 यानी 12 हो गया, 66 क्या हो गया 6+6 12 हो गया, 204 क्या हो गया 2+0+6 हो गया, 528 15 हो गया, इतना जो है 24 हो गया। और ये सभी संख्याएं 12 12 6 15 24, ये सब के सब संख्याएं जो हैं 3 के टेबल में आती हैं, यानी 3 के पहाड़ा में आती हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं अगर डिविजिबल हैं इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है, इसलिए दी गई सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको बताना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5003, आपको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है तो y, नहीं है तो n। 5003 को चेक करके बताइए कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। सभी बच्चे बताएंगे, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है कि नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ेंगे 5+0+0+3 जो कि होता है 8, और 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। बात समझ में आया, इसीलिए ये 5003 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न का और जवाब दीजिएगा 9999, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं 9999, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, है। कैसे, क्योंकि हम 9 को 4 बार जोड़ देंगे 9+9+9, ठीक है, तो 9+9+9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 जो है 3 से डिविजिबल होता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे 36 है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो एक बार इसको फिर जोड़ दीजिए 3 और 6 जोड़ दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 9। अगर 9 डिविजिबल है तो 36 भी होगा, 36 डिविजिबल है तो ये 9999 भी होगा। बात समझ में आया, तो अगर 36 को चेक करना है तो फिर 3+6 कर दीजिए 9, तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है 3 से और 2 से। चलिए, तो यहाँ पे 2 संख्या लिखता हूं और आपको बताना है कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से बताइए कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, ए या बी, ए या बी, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, ए और बी में देखिए कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। दोनों ही संख्या 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 4 3 7 7 2 9, तो पहला का जोड़ आ गया 9, तो 9 तो डिविजिबल है, इसका भी जोड़ कीजिए 5 4 9 9 3 12, तो ये भी तो डिविजिबल है, तो दोनों ही संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि दोनों में से, ए और बी में से कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, बताइएगा ए और बी में 2 से कौन डिविजिबल है, ए और बी में से 2 से कौन डिविजिबल है, 2 से,
दो से जो है केवल ए डिविजिबल है, ठीक है, दो से केवल ए, क्योंकि लास्ट में दो है तो सिर्फ दो वाला डिविजिबल होगा, तीन वाला नहीं होगा। तो दो से डिविजिबल पूछेगा, दो से डिविजिबल पूछेगा तो क्या करेंगे, दो से डिविजिबल पूछेगा तो हम यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखेंगे, तीन से पूछेगा तो पूरा योग करके चेक करेंगे। तो सभी बच्चों क्लियर है ना, तीन और दो दोनों वाला? एनी बच्चे, किसी को डाउट है कुछ भी, आप में से किसी बच्चे कुछ भी डाउट है? डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चे हेलो, थोड़ा सा एक मिनट के लिए रुकिएगा, क्लास में थोड़ा सा रुका हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अभी सब कुछ क्लियर है, एक बार अभी चेक कीजिए तो सभी बच्चे, अभी एक बार चेक कीजिए सभी बच्चों क्लियर है, एक बार अभी सभी बच्चे चेक करेंगे, आवाज क्लियर आ रही है? सभी बच्चे एक बार अभी चेक करेंगे, सब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा सभी चीजें, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं चार से विभाज्यता का नियम, क्योंकि दो और तीन से तो आप पहचानना सीख गए कि कोई संख्या दो से विभाजित कब होगी, तीन से विभाजित कब होगी, ये दोनों तो सीख गए। अब हम चार से सीखते हैं कि कोई संख्या चार से विभाजित कब होती है। तो देखिए, तीन या अधिक अंकों की एक संख्या, यानी कोई भी संख्या तीन अंक की या तीन से ज्यादा अंक, यानी चार पांच छह अंकों की होगी, तो चार से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम के दो अंक, यानी इकाई और दहाई। अंतिम के दो अंक का मतलब क्या है? ये अंतिम के दो अंक, अंतिम के दो अंकों को हम चेक कर लेंगे कि अंतिम के दो अंक अगर चार से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? चार से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या दिया हो, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या है ना, कितनी, पांच अंकों की संख्या है, हमें चेक करना है कि ये चार से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये अंतिम के दो अंक चेक कर लेंगे, अंतिम का दो अंक इकाई और दहाई चेक कर लेंगे। यानी 20 अगर चार से विभाजित है तो ये पूरा संख्या चार से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे ये 5016 है, अब इसमें का सिर्फ 16 चेक कर लेंगे कि ये चार से डिविजिबल है कि नहीं, अगर 16 चार से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या चार से हो जाएगी। अब ये 2024 है, अगर 24 चार से डिविजिबल है तो पूरा संख्या चार से हो जाएगा। ये 4004 है तो अंतिम सिर्फ दो अंक देख लेंगे, ये चार हो गया तो चार चार से डिविजिबल है। इसी प्रकार अंतिम का दो अंक देख लेंगे यहाँ पे तो ये चेक हो जाएगा। बात समझ में आया? तो तीन अंक या तीन से अधिक अंकों की संख्या चार से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम दो अंक, यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या चार से विभाज्य हो। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, 112, इसका अंतिम दो अंक 12 है, 12 चार से डिविजिबल है कि नहीं है? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, 12 चार से डिविजिबल है कि नहीं है? चार तीन 12 है, यानी कि ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक और दहाई अंक देखेंगे चार, तो चार चार से तो डिविजिबल है ही, यानी ये भी है। 2024 में 24 चेक करेंगे तो ये भी चार से डिविजिबल हो जाएगा। 5016 में अगर 16 चेक करेंगे तो चार चौका 16, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 20 को चेक करेंगे तो 20 जो है चार से डिविजिबल हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि ये सभी संख्याएं जो है चार से डिविजिबल है। तो अब मैं कुछ अन्य संख्या दे रहा हूं और आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 12 को चेक करके देखा, इसमें 4 को, इसमें 24 को, इसमें 16 को, इसमें 20 को, और ये सभी संख्याएं अगर 4 से डिविजिबल है तो दी गई सभी संख्याएं भी 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो अब मैं एक अन्य क्वेश्चन देता हूँ आपको करके बताना है, जैसे 5050 दे दिया मैंने, अब आपको बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो वाई, नहीं है तो एन, अगर है तो वाई, नहीं है तो एन, है तो y, नहीं है तो n।
बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 50 से और 50 चार से नहीं डिवाइड होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चार से डिविजिबल नहीं है। बहुत अच्छा जवाब। तो अब आप लोग दो सीख गए, तीन सीख गए, चार सीख गए। दो से कोई संख्या कब विभाजित होती है? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो संख्या दो से डिविजिबल होती है। तीन से कोई संख्या कब डिवाइड होती है? जब उसके अंकों का योग तीन से डिविजिबल होता है तो हो गया। चार से कोई संख्या कब विभाजित होती है? तो वो संख्या का अंतिम दो अंक अगर चार से डिविजिबल होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? चार से विभाजित हो जाती है। तो यहां तक आप सभी बच्चों क्लियर होगा? एक बार वाई टाइप कीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे फिर पढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। तो अब हम पढ़ते हैं पांच से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए, हर वो संख्या यानी कोई भी संख्या हो और उसका इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, ये जिसको मैंने मार्क किया सब इन संख्याओं का क्या है? इकाई अंक है। अगर इकाई अंक पे जीरो रहेगा या पांच रहेगा तो उस पूरी संख्या पांच से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ 5005 लिख दूं तो इसका इकाई अंक पांच है तो ये पांच से विभाजित है। अगर इकाई अंक जीरो भी होगा ना तो वो भी पांच से विभाजित होगा। यानी कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक पे जीरो आ जाए या पांच आ जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या पांच से विभाजित हो जाती है। जैसे ये तमाम संख्या यहाँ 15 में इकाई अंक क्या है? पांच है तो ये पांच से विभाजित है। इकाई अंक जीरो है तो वो पांच से विभाजित है। इकाई अंक पांच है तो वो पांच से विभाजित है। इकाई अंक पांच है तो भी वो पांच से विभाजित है। इकाई अंक जीरो है तो वो भी पांच से विभाजित है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या पांच हो तो वो संख्या पांच से विभाजित होती है। तो अब मैं यहाँ पे चार एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है पांच से विभाजित है। आपको बताना है एबीसीडी में से कौन कौन संख्या जो है पांच से विभाजित है। ये थ्री है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि चार विकल्पों में से कौन कौन सी संख्या जो है पांच से विभाजित है। बहुत ही अच्छा जवाब, बी सी डी तीनों ही पांच से विभाजित है। क्यों? क्योंकि तीनों में ही अंत में जीरो है। ठीक है, अब अंत में जीरो रहे या पांच रहे बात एक ही है, वो पांच से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि ये तमाम संख्या है, 15 में 5 है, 90 में 0 है, 105 में 5 है, 5 है इसमें 0 है, तो ये सभी संख्या किसी भी संख्या के अंत में या इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो क्या अब आप सभी पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए तैयार हैं? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, तो एक बार मैं फिर से सभी रूल जितने पढ़ाया हूँ फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार जल्दी से फिर से रिवीजन कर लीजिए सभी रूलों को, मैं फिर से जल्दी से 2 मिनट में फिर से करा देता हूँ। चलिए, दो से डिविजिता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के इकाई स्थान पे, कौन से स्थान पे? इकाई स्थान पे, ये जो होता है इकाई स्थान होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है इकाई स्थान होता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? दो से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये दो से डिविजिबल का रूल है। इसी प्रकार तीन से डिविजिबल का क्या रूल है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जिसमें इसमें 57 को जोड़ के देख लेंगे, 5 और 7 कितना होता है? 12। अब 12 अगर तीन से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या तीन से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे ये संख्या है, कितना जोड़ने पे आ रहा है? 6+9+3+5+4, ये हो गया आपका 24। 24 तीन से डिविजिबल है तो इसलिए ये पूरी संख्या तीन से डिविजिबल है। तो ये तो तीन से रूल हो गया। इसी तरह का चार का रूल देखिए। चार का क्या रूल कहता है? कि तीन या तीन से अधिक संख्या यानी कोई भी बड़ी संख्या दी गई हो तो उसके अंतिम के दो अंक चेक कर लेते हैं कि अगर चार से डिविजिबल है अंतिम के दो अंक तो वो सभी संख्याएं जो होती है चार से डिविजिबल हो जाती है। तो ये चार का रूल हो गया। फिर मैंने आपको बताया पांच का रूल। तो पांच का रूल क्या कहता है? कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक
या तो जीरो हो या तो पांच हो, यानी पांच हो तभी पांच से डिविजिबल होगा, जीरो होगा तब भी पांच से डिविजिबल होगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा एक से लेके पांच तक का डिविजिबल, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं डिविजिबल होती है, एक से तो किसी भी संख्या में भाग लग जाता है, और दो तीन चार पांच हमने पढ़ लिया है। तो यहां तक जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे करेंगे वाई टाइप, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब आप लोग सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाइए और इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से विभाज्य है, यानी चेक करना है कि ये चार अंकों चार संख्या दी गई है इनमें से दो से कौन सी संख्या विभाजित है। चलिए जल्दी से चेक कीजिए सभी बच्चे, तीन बच्चों ने आंसर किया है, तीनों ही बच्चों का आंसर सही है, पांच बच्चों ने किया है, पांचों ही बच्चों का आंसर एकदम सही है, बाकी के भी बच्चे आंसर करेंगे, अभी चार बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, सात बच्चों ने आंसर किया एकदम सही है, बाकी के चार बच्चे आंसर करें। चलिए मात्र 20 सेकेंड और है, बाकी के दो बच्चे आंसर करें जल्दी से। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, सिर्फ एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है, 10 सेकेंड है उस बच्चे के लिए, एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है। चलिए वो बच्चा क्लास को लेफ्ट करके चला गया, तो इसमें सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। दो से विभाजित है, तो दो से विभाजित के लिए हम क्या चेक करेंगे, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, यानी ये संख्या जिस भी ये अंक जो है जिस संख्या के अंत में होंगे वो दो से विभाजित होगा। तो यहाँ तो एक है नहीं है, ये तीन है नहीं है, ये चार है तो चार तो है, तो ये संख्या सी जो होगा दो से विभाजित हो जाएगा, और ये पांच है जो कि नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1024 जो है दो से विभाजित हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल नहीं है सर, क्या टाइप नहीं हो रहा सर। अच्छा हाँ सॉरी, अभी करके देखिए तो क्लियर है। चलिए तो अब जल्दी से प्रश्न संख्या नेक्स्ट कीजिए, प्रश्न संख्या 16। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर, प्रश्न संख्या 16 करेंगे जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, प्रश्न संख्या 16 करेंगे जल्दी से, प्रश्न संख्या 16 करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, तीन से कौन सी संख्या विभाज्य है हमें जोर के चेक करना होगा, 2 मिनट का समय है, सबको जोड़ेंगे, चारों विकल्प को चेक करेंगे कि कौन सी संख्या तीन से विभाजित है। और दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें से चेक करना है कि कौन सा संख्या तीन से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ के चेक करेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 6 + 3 + 9 + 2 + 3 कितना होता है, 6 × 3 = 9 9 × 9 = 18 18 × 2 = 20 20 × 3 = 23 क्या 23 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं, 7 + 2 + 6 + 7 + 1 जोड़ के चेक कीजिए इसको, बात समझ में आ रहा है,
तो 7 2 9 9 6 15 15 7 22 22 1 23, क्या 23 जो है 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसी प्रकार इसको चेक कीजिए, 1 + 0 + 5 + 3 + 4 कितना होगा, 1 0 0 सॉरी 1 में 1 0 जोड़ेंगे 1 5 6 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और 9 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है। अब ऑप्शन डी चेक कीजिए, 4 + 3 + 6 + 0 + 5 तो 4 3 7 7 6 13 13 5 18 और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। यहां तक सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इसमें से 4 से कौन सी संख्या विभाजित है? अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे, अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पोल सेक्शन में कि कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। दो मिनट का समय है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। 3 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया अभी तक, 4 बच्चों ने दे दिया और 4 बच्चे बाकी हैं। अंतिम के 2 अंकों को चेक कीजिए, 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी के 2 बच्चे आंसर करें जल्दी से, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। चलिए सभी का आंसर आ गया, चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा ये, ध्यान से चेक करेंगे। सभी का 2 अंकों को चेक करेंगे, सभी का 2 अंकों को चेक करेंगे। क्या 23 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 82 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 50 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 64 जो है 4 से डिविजिबल है। अब आप लोग कहेंगे सर 64 4 से डिविजिबल है, हमें कैसे पता? तो 16 में अगर 4 को गुणा करते हैं तो 16 चौका 64 होता है, बात समझ में आया? यानी ये 4 से 16 बार में कट जाता है, लेकिन 50 जो है 4 के पहरा में कभी नहीं आता है, 82 भी नहीं आता है, 23 भी नहीं आता है, तो सिर्फ 64 आता है, यानी कि ये पूरी संख्या जो होगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर आगे करते हैं। चलिए अब मेरी बातों को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें कमेंट किया हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने 3 एसआरए नंबर कमेंट किया है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 3 एसआरए नंबर मैंने कमेंट किया है। ये जिस भी बच्चे का एसआरए नंबर है ये गलत है, आप इसको क्या करेंगे, अपने स्कूल में पता करेंगे कि आपका सही एसआरए नंबर कौन सा है और आपने गलत क्यों टाइप किया है। ये 3 एसआरए नंबर जिस भी बच्चे ने टाइप किया है ये एसआरए नंबर गलत है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहां पे आप पूछेंगे कि हमारा सही एसआरए नंबर क्या है, या फिर आप अपने स्कूल में पूछेंगे कि आपका सही एसआरए नंबर क्या है, बात समझ में आया, क्लियर है? तो ये 3 एसआरए नंबर जिस भी बच्चे का है आपको क्रॉस चेक करना है कि ये 3 एसआरए नंबर किसका है, बात समझ में आया? मैं फिर से एक बार टाइप करता हूं, जिस भी बच्चे ने ये एसआरए नंबर डाला है ये गलत है, एसआरए नंबर गलत डालिएगा आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, जिस भी बच्चे ने ये गलत एसआरए नंबर डाला है वो चेक कर लेंगे। 3 एसआरए नंबर में यहां पे लिख देता हूं, ये एक बच्चे का एसआरए नंबर है जिन्होंने वो डाला है, एक मिनट, 4 7 3 4 0 3 4 8 0 8, ये एक एसआरए नंबर गलत डाला गया है, दूसरा एसआरए नंबर डाला गया है 1 6 1 7 6 5 6 4 6 7, ये भी गलत एसआरए नंबर है, और ये तीसरा है 1 5 0 3 7 4 7 8 6 7, तो ये 3 एसआरए नंबर जिस भी बच्चे ने गलत डाला है आप अपने ग्रुप में या अपने स्कूल में पता करके अगले क्लास में जरूर बताएंगे
कि आपका गलत ये सारे नंबर जो है अब सही वाला क्या है, तो मैं अगली क्लास में पूछूंगा। तो सभी बच्चे इसे जरूर चेक करेंगे कि आपका गलत ये सारे नंबर क्यों है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पोल सेक्शन में जाके, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे पोल सेक्शन में जाके। पांच से विभाजित संख्या खोजना है। चलिए दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी के दो बच्चे भी आंसर कर दें, जल्दी से बाकी के दो बच्चे भी आंसर कर दें जल्दी से। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने आंसर किया, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। तो हमने इसमें क्या चेक किया, किस संख्या के अंत में पांच या जीरो है। यहाँ पे तो सात है नहीं होगा, यहाँ पे छह है नहीं होगा, यहाँ पे नौ है नहीं होगा, यहाँ पे जीरो है। तो किसी भी संख्या के अंत में जीरो रहे या पांच रहे, दोनों में से कोई रहे वो पांच से डिविजिबल हो जाता है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, क्वेश्चन नंबर क्या है, ए है। अब पोल सेक्शन में आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या जो है तीन से डिविजिबल है, तीन से विभाजित है। चार विकल्प देता हूं, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है, ऑप्शन है एक दो तीन और चार, ऑप्शन इसमें किसमें है, एक दो तीन चार में है। क्वेश्चन है ए, ऑप्शन मैंने दिया है 4,332, ठीक है। आपको चेक करके बताना है, कहां पे बताना है, तो पोल सेक्शन में मत बताइए, आप यहीं पे चार्ट सेक्शन में बताइए, ये चार विकल्पों में से कौन कौन सी संख्या जो है तीन से विभाजित है, यानी तीन से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यहीं पे आपको बताना है चैट सेक्शन में कि कौन सी संख्या तीन से विभाजित है। एक दो तीन चार, चार संख्या लिखी गई है, कौन कौन सी संख्या जो है तीन से विभाजित है, सभी बच्चे चेक करेंगे। देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। चार विकल्पों में से कौन कौन सी संख्या जो है तीन से विभाजित है, अभी चेक करेंगे। और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड, चलिए अब हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या तीन से विभाजित है। पहला संख्या चेक करते हैं, तो चेक करने का क्या तरीका है, 4 + 0 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, एकदम है। अब इसको चेक कीजिए, 3 + 4 + 3 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 2 = 16, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 2 = 16, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार अब ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जोड़िए इसको, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 14 + 1 = 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन चेक कीजिए, 4 + 3 + 2 + 1 ठीक है। तो अब देखिए 4 × 3 = 7,
सात दो नौ, नौ एक दस, तो दस जो है क्या तीन से डिविजिबल है? नहीं है। यानी कि अगर इसमें का आंसर पूछे तो आंसर होगा एक और कितना, तीन। एक और तीन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए लगभग ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया था। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसी पे आधारित एक प्रश्न और दे रहा हूं। और आप सभी बच्चों को इस बार गलती मत कीजिएगा, सभी बच्चे बता रहा हूं, ठीक है, इस बार गलती मत कीजिएगा। सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, समय लेके कीजिएगा, दो मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि इसी में समय लगता है। चलिए देखिए पहला, इस बार इसको नामकरण बदल देते हैं, इसको कर देते हैं प्रश्न संख्या छह, ठीक है, प्रश्न संख्या छह, ऑप्शन ए बी सी डी ई। अब पांच विकल्पों में से बताना है कौन कौन सी संख्या तीन से विभाजित है। समय मिलता है पूरे तीन मिनट का, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, तीन मिनट का समय है। एक साथ सभी बच्चे आंसर करेंगे, यानी ये नहीं कि एक बार ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसा नहीं करना है। अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है, नाम लिखना है, इसके बाद कौन कौन सी इसमें से सही है, ए बी सी जो भी होगा आपको एक साथ ही आंसर करना है। तो सभी बच्चे करेंगे, तीन मिनट का समय है, आराम से करेंगे सभी बच्चे, तीन मिनट का समय है। पांच ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सी संख्या जो है तीन से विभाजित है, सभी बच्चे करेंगे, तीन मिनट का समय है। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, तीन मिनट का समय, बस गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं। चलिए निशांत का आया है आंसर बी और सी, कार्तिक का आया है बी और सी, बाकी बच्चे भी इन्हीं के जैसा करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। मनोज का भी आया है बी और सी, बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा इन्होंने नाम, अपना नाम लिखा फिर सही आंसर किया, बहुत अच्छा। सतीश ने सिर्फ डी बताया है, प्रीति ने बी और सी बताया है, अतुल ने बी और सी बताया, बहुत अच्छा, अनुज ने बी और सी बताया, बहुत अच्छा। अभी चेक करते हैं बाकी बच्चे भी आंसर करें ऐसे ही। बाकी बच्चे भी आंसर करें ऐसे ही। रौनक ने भी बताया बी और सी, धर्मजीत ने भी बताया बी और सी। चलिए अब चेक करते हैं, क्या करेंगे, जोर के चेक करेंगे, थ्री प्लस जीरो प्लस फोर प्लस थ्री प्लस जीरो कितना होगा, तीन, चार सात, सात तीन दस, दस तीन से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, फाइव प्लस जीरो प्लस फोर प्लस थ्री प्लस जीरो, तो पांच चार नौ, नौ तीन बारह, नौ तीन बारह, जो कि तीन से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार 843 को चेक करते हैं, आठ प्लस चार प्लस तीन कितना होगा, आठ चार बारह, बारह तीन पंद्रह, जो कि तीन से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, नौ प्लस चार प्लस एक प्लस दो कितना हो जाएगा, नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह, चौदह दो सोलह, जो कि तीन से डिविजिबल नहीं होता है। इसको चेक करते हैं, आठ प्लस तीन प्लस दो, तो आठ तीन ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तीन से डिविजिबल कौन कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। कितने बच्चों का सही था वाई टाइप कीजिए, तो जिनका गलत था एन टाइप कीजिएगा, जिनका जिनका सही था वाई टाइप कीजिए, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों का सही था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा। अच्छा एक प्रश्न और करें, एक प्रश्न इस पे और कर ले, मजा आ रहा है ना, एक प्रश्न और करते हैं, इस बार सबसे हार्ड वाला दूंगा, जो सबसे टफ होता है, ठीक है। चलिए इस बार सबसे टफ वाला क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे इसी तरह करेंगे, समय लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही कीजिए।
इस बार भी आप लोगों को समय मिलेगा पूरे। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी ई और एफ, इस बार इतने ऑप्शन है, आपको चेक करके बताना है। और इस बार का समय देता हूं पूरे 5 मिनट का, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। अरे एक मिनट, एक आपको चेक करके बताना है कि 6 संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या जो है 3 से विभाजित है। समय है आपके पास 5 मिनट का। फिर इसी तरह करना है, आपका नाम और सही आंसर कमेंट करना है, ठीक है? आपका नाम फिर सही आंसर इसमें से कमेंट करके बताना है कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। चलिए सभी बच्चे करेंगे। पांच मिनट का समय आराम से करेंगे। देखिए निशांत आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है? 5 मिनट का समय है तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा समय है तो उसको यूज कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। समय अगर ज्यादा दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया है। सतीश का डी और एफ, अतुल का ई, यानी कि निशांत अतुल और सतीश में से तीनों ही गलत होंगे, क्योंकि तीनों का अंतर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? कोई एक ही सही होगा, इसलिए कह रहा हूं आराम से कीजिए, अभी समय है, कोई जल्दी नहीं है। प्रीति का डी और ई आया है, निशांत का डी और ई आया है, सतीश का भी डी और एफ आया है, धर्मजीत का डी और ई आया है, अनुज का डी और ई आया है, सतीश का भी डी और ई आया है। चेक करते हैं अभी। अभी चेक करते हैं। डी और ई आया, चलिए चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं पहले वाले को। 5 + 0 + 3 + 2 + 4 + 3 = 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 3 17, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। रौनक का भी डी और ई आया है, कार्तिक का भी डी और ई, मनोज का भी डी, ठीक है? चेक करते हैं। 4 + 0 + 3 + 2 + 2 कितना होगा? 4 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार 5 + 0 + 4 + 3 + 2 तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन ई को देख, डी को देखते हैं। 8 + 4 + 3 + 2 + 1, 8 4 12 12 3 15 15 2 17 17 1 18, और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, 18 जो है 3 से डिविजिबल है। अब देखिए ऑप्शन ई, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार 1 और 1 कितना है? 3, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 5, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका राइट जवाब होगा डी और ई। जिस भी बच्चे का सही जवाब था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, ईमानदारी से। चलिए प्रीति का सही था, निशांत का सही था, बहुत अच्छा। मतलब कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे चेक करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो जो मैंने एक एसआरएन नंबर 300 डाला हूं, आपको उसे चेक करके आना है, अपने स्कूल में पता करना है कि ये किनका है जो कि गलत गलत एसआरएन नंबर डाला गया है। तो गलत एसआरएन नंबर नहीं डालना है, तो आप अपने स्कूल में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका एसआरएन नंबर क्या है, और अगली क्लास सही एसआरएन नंबर से ही आप क्या कीजिएगा, डालिएगा, ठीक है? तो
सर आपका विनोद नाम से जो बच्चे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि यही है तो आप एक बार अपने स्कूल में या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना कि आपका एसआरएन नंबर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये गलत है जो यहाँ पे मैंने टाइप किया है और आपने अगर यही डाला है तो ये गलत है, एक बार आप अपने स्कूल में या फिर अपने ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट है आज के क्लास